नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में सनराइजर्स हैदराबाद टीम के लिए अभी तक कुछ अच्छा नहीं बीता है। पहले मैच में आरसीबी के खिलाफ न सिर्फ टीम को हार मिली बल्कि टीम के शानदार ऑलराउंडर मिच मार्श चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर भी हो गए। टीम अपना दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलने उतरेगी। कोलकाता को अपने पहले मैच में बिहार का सामना करना पड़ा था, जहां दोनों ही टीमें अपनी पहली जीत के इंतजार में हैं। ऐसे में सनराइजर हैदराबाद के लिए अच्छी खबर ये है कि टीम में मिचेल मार्श की जगह लेने के लिए वेस्टइंडीज के टेस्ट कप्तान जेसन होल्डर सनराइजर हैदराबाद की टीम में शामिल होने के लिए यूएई पहुंच गए हैं। हालांकि वो कोलकाता के खिलाफ मैच नहीं खेल पाएंगे। कोरोना वायरस गाइडलाइन के अनुसार 6 दिनों तक उन्हें क्वारंटाइन में रहना होगा और इस दौरान उनका 3 कोरोना टेस्ट होगा और तीनों ही रिपोर्ट में उन्हें नेगेटिव आना होगा। इसके बाद ही वो टीम के साथ ट्रेनिंग शुरू कर पाएंगे। कोरोना को लेकर आईपीएल के गाइडलाइंस के अनुसार यूएई पहुंचने के बाद टीम के खिलाड़ियों को 3 बार कोरोना टेस्ट कराना होगा। एक बार तीनों टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही खिलाड़ियों को बायो सिक्योर बबल में जाने दिया जाएगा, जिसके बाद वो यूएई में ट्रेनिंग शुरू कर पाएंगे। इस हफ्ते की शुरुआत में हैदराबाद की टीम ने घोषणा की थी कि होल्डर मौजूदा आईपीएल में टीम में ऑलराउंडर मिचेल मार्श की जगह लेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ सोमवार को हुए मैच में मिचेल मार्श चोटिल हो गए थे और आरसीबी के पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे। इस दौरान वो दूसरी गेंद पर चोटिल हो गए और महज 4 गेंद करने के बाद ही मैदान से बाहर चले गए थे। इसके बाद मिचेल मार्श बल्लेबाजी करने के लिए आए लेकिन वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। आपको बता दें, होल्डर को तेज गेंदबाजी के साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए भी जाना जाता है। इससे पहले वो चेन्नई के लिए आईपीएल खेल चुके हैं। आईपीएल में अब तक 11 मैच होल्डर खेल चुके हैं और इस दौरान 5 पारियों में उन्होंने 38 रन बनाए हैं। गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने 5 विकेट भी लिए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।